हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग का सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट में आपको चार एपिसोड में आएगा, चार एक्सरसाइज में हमारा ये वीडियो है, चार एपिसोड यानी कि चार एक्सरसाइज हमने अपने मास्टर नोट्स में लिखा है इसको। तो आइए हम इसी के बारे में जानते हैं। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। इसमें आपको भाषा पे पकड़ होना चाहिए, मेन रूप से आपको भाषा पे ही पकड़ होना चाहिए। उसके बाद आपको लैंग्वेज पे पकड़ होना चाहिए, भाषा लैंग्वेज एक ही हुआ। आपको नंबरिंग का जानकारी होना चाहिए, अल्फ़ाबेट का जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा आपको जीके यानी कि जनरल नॉलेज का भी जरूरी होना, बहुत ही जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपको इंग्लिश पे, जब आपको इंग्लिश टाइप का आएगा तो आपको इंग्लिश पे ही पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज वन में कि एक आखिर बनता कैसे है, इसका क्वेश्चन किस रूप में रहता है, लिखा हुआ किस रूप में रहता है, दिया हुआ। आइए हम इसको जानते हैं, बिल्कुल बारीकी से इसको जानना पड़ेगा, एक छोटी से छोटी चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को देख करके ऐसा लगना नहीं चाहिए आपके मन में कि बहुत आसान है, बन ही जाएगी का क्या मतलब होता है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इस चैप्टर के क्वेश्चन में 100% स्कोरिंग जरूरी है। जब ये आसान चैप्टर में आप 100% नंबर लाइएगा टाइम के कम समय के अंदर में, तभी तो आप डिफिकल्ट यानी कि जो डिफिकल्ट चैप्टर है उसमें आप समय लगा करके उसमें से नंबर लाने की कोशिश करेगा। तो ये जो चैप्टर है आपका एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्य परीक्षा, इसमें होती क्या है, इसमें दो चीज़ें आपस में रिलेट रहती है, तीसरी चीज़ आपको दिया रहता है, तीसरी और चौथा होती है वो होती है आपके ऑप्शन में। तो पहले दो में जो रिलेशन होता है बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही रिलेशन आपको तीसरा और चौथा बीच आपको फाइंड करनी पड़ती है, उसी के आधार पे आपका आंसर का सिलेक्शन होता है। जबकि आपको जो चारों ऑप्शन होता है बिल्कुल करीबी होता है, बहुत ज़्यादा निकटतम होता है, तो नॉर्मली स्टूडेंट को ये समझ में आती नहीं है। तो बिल्कुल बारीकी से सीखिए इस चीज़ को और आप देखिए कि हम इसको किस तरह बनाते हैं, आपको चार पांच एग्जांपल देंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं सबसे पहला एग्जांपल क्या कहता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, जिस प्रकार आदमी का संबंध बच्चे से है, आदमी का संबंध है बच्चे से, उसी प्रकार पुष्प का संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपका कली, फल, तितली और जड़। कली, फल, तितली और जड़। क्वेश्चन एक बार फिर समझिए, जिस प्रकार आदमी का संबंध बच्चे से है उसी प्रकार पुष्प का संबंध किससे है, कली, फल, तितली और जड़। तो आइए इसको हम जानते हैं कैसे। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रहा है, आदमी, आदमी का जो संबंध है वह है आपका बच्चे से, बच्चा बच्चा, और उसी प्रकार पुष्प का संबंध किससे होगा। आपके पास चार ऑप्शन है, आप बताइए उसमें से कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है कली, फल, तितली और जड़। नॉर्मली देखने पर क्या लगता है, ये चारों का चारों जो पुष्प से संबंधित, लेकिन आपको एग्जैक्ट वही चीज़ें फाइंड करनी है जो आदमी और बच्चे के बीच में है। तो अब बताइए इसके बीच में एक अच्छा सा मतलब कि मतलब जिसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए वही आपको रिलेशन इसमें फाइंड करनी है। तो आदमी और बच्चे में क्या संबंध है, आदमी 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 है, बच्चा बच्चा है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए तो क्या होगा, आदमी आदमी बड़ा रूप है, आदमी विकसित रूप है, बच्चा छोटा रूप है, मतलब वो स्टार्टिंग पीरियड में है, आदमी बनने के स्टार्टिंग में है बच्चा, और आदमी फुल है यानी कि आदमी बच्चे बड़े होकर आदमी बनते हैं, ऐसा हो सकता है ना। बिल्कुल बच्चे बड़े होकर के आदमी बन जाते हैं, बच्चे बड़े होकर के आदमी बन जाते हैं। तो अब बताइए ये जो होगा इस ऑप्शन में, इस डब्बे में, वो बड़ा होकर के पुष्प बनना चाहिए। अब बताइए कौन बड़ा होकर के पुष्प बन जाती है, कली हो सकता है क्या, फल हो सकता है क्या, तितली हो सकती है क्या, जड़ हो सकता है क्या, चारों में कौन है जो बड़ा होकर के पुष्प बनेगा। तो जाहिर सी बात है कली। तो आपका आंसर क्या हुआ, कली। तो इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को बनाया जाता है कि बिल्कुल पहले और दूसरे के बीच में एग्जैक्ट जो रीजन है, जो संबंध है, वही संबंध आपको तीसरे और चौथे के बीच में आपको फाइंड करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है। इस तरह क्वेश्चन का ये रहा आपका सोल्यूशन। आइए हम लोग देते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स को।
अब देखिए अगला जो एग्जांपल है कुछ इस तरह से रहा, आंख जिस प्रकार प्रकाश से संबंधित है, आंख का संबंध जिस तरह से प्रकाश से है उसी प्रकार कान किससे संबंधित है, आंख प्रकाश। अब देखिए यहाँ पे आंख का जो है प्रकाश, आंख के लिए लिखा प्रकाश, उसी तरह से कान के लिए क्या होगा यहाँ पे बताइए, इसमें क्या होगा, आपके पास चार ऑप्शन है, एक है आपका सुनना श्रवण ध्वनि, सुनना श्रवण ध्वनि और ढोल। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपके पास आँख का संबंध प्रकाश से है, वही संबंध कान का किससे होगा, तो अब आप जानिए इसमें देखिए साइंस, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आँख और प्रकाश क्या है, तो आपको बता दूँ आँख जो है आँख का काम होता है देखना, आँख का काम होता है देखना, आँख अपना जो देखने का जो ऑपरेशन वो कैसे चलाती है, देखने का काम कैसे करती है, तो आँख जो है वो प्रकाश के उपस्थिति में देखती है, आँख प्रकाश के उपस्थिति में देखती है, आँख देखने काम करेगी प्रकाश के उपस्थिति में, तो उसी तरह से कान सुनने का काम करती है, हियरिंग यानी कि सुनने का काम करती है, तो कान जो है वो किसकी उपस्थिति में सुनने का काम करेगी, ढोल की उपस्थिति में, ध्वनि की उपस्थिति में, श्रवण की उपस्थिति में, सुनना की उपस्थिति में क्या होगा, तो आपके लिए चारों ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो रहा आपका ध्वनि, ध्वनि यानी कि कंपन, तो जब ध्वनि होगी तभी तो कान सुन पाएगा ना, ढोल रखे रहने से तो कान नहीं सुन पाएगा, या श्रवण या फिर सुनना तो दोनों कान का पावर सुनने को बोलते हैं, तो आपका आँख और प्रकाश यहाँ पे देखें आप क्या दोनों के बीच जो रिलेशन है वही रिलेशन को तीसरे और चौथे के बीच निकालने, तो इस तरह से बनता क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि कुछ भी आंसर आप बता दीजिए, इसमें आपका 100% पकड़ होना चाहिए, 100% आपका आंसर आना ही चाहिए। तो चलिए हमारे आसपास थोड़ी सी शोर ज़्यादा हो रही है, बाहर जनरेटर चल रही है, और इसलिए इस वीडियो को बस यहीं तक करते हैं, हम कुला 4-5 एग्जांपल और हम इसमें दे पाते हैं, लेकिन दूसरे एपिसोड में अब आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो बिल्कुल लगातार बंद मिलती रहेगी सभी सब्जेक्ट्स की, और सारा वीडियो हम आपके लिए खुद लेकर आएंगे, तो बस एक क्रांतिकारी तैयारी के लिए आप भी हो जाइए तैयार, और आप हमारा स्मार्ट वीडियो कोचिंग और मास्टर नोट्स नहीं लिए तो जल्द से जल्द इसको ले लीजिए, क्योंकि यही आपका है जो नौकरी आपको दिलाएगा, हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे इसी YouTube चैनल पे, इसको सब्सक्राइब करके रखिए, और आप हमारे सभी वीडियो को इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी।